कांग्रेस नेता मोहन राठौर बोले, कल की नामांकन रैली में आए जन सैलाब ने एहसास करा दिया कि इस बार बीजेपी को करारी शिकस्त देगी कांग्रेस। विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल होने आए जन सैलाब ने जहां एक ओर बीजेपी पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस में एनर्जी भर दी है। अब ये हो रहा है कि जनता कांग्रेस के प्रति अपार सहयोग देकर नेता खुशी में झूम उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यालय के प्रभारी मोहन राठौर भी कांग्रेस की जीत का पक्का दावा कर रहे हैं और वह ये कहने में पीछे भी नहीं हट रहे हैं कि इस बार अत्याचार के खिलाफ जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिणाम क्या होते हैं ये सबको पता होता है। कराहा से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई साहब, कल एक कार्यक्रम था रोड शो था कांग्रेस का जी। जयपुर में कैसा क्या कार्यक्रम था? देखिए विक्की भैया, कल का हमारा कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और ये बात हमारे विरोधी भी जान चुके हैं और वो भी वीडियो बनाने लगे। माने वो रैली को देख करके, हमारी ऐतिहासिक रैली रही थी उसको देख करके वो भी वीडियो बना रहे थे। क्या लगा जनता का, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखो जनता का तो बिल्कुल उसमें देखने को मिल रहा है कि पूरा कांग्रेस की तरफ है उनका रुझान। कल जो जो जनता आई थी, जो पब्लिक आई थी, वो हमारे पैसों से खरीदी हुई जनता नहीं थी। वो जनता तो खुद के मन से और ये मान लो कि उमंग से आई थी और हमारी कहीं से बाहर से खरीदी हुई जनता नहीं थी, ना बाहर से लाई हुई जनता थी। वो तो हमारे बीजापुर क्षेत्र की जनता थी और इससे हमें पूरा लग रहा है कि हमारा ऐतिहासिक जीत होगी। हम कल की जनता को देखते हुए हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। मोहन जी, एक चीज़ और है जी, कल एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें चोपड़ विधायक जंडेल और लोकसभा प्रत्याशी नीतू से गरबा ढोल बजाते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जीत से पहले ऐसे जश्न मनाना ठीक? देखिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो उत्साह हैं और हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। कल कार्यक्रम के दौरान कितने लोगों ने सदस्यता ली है भाजपा ही कितने देर में? देखिए बक्की भैया, एक तो मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर शिवराम शिवरे जो भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं और हमारे तीन जनपद सदस्य जो बीजेपी में जा चुके थे वो हैं, जिसमें से हमारे राजू सैनी जी जो लोकप्रिय हैं और बड़ा उनका वर्चस्व है, नेता भी हैं वो और उनके पास वोट भी हैं। ये मान लीजिए कि सभी लोग हमारे और भी कार्यकर्ता ने सदस्य लिए हैं लेकिन कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। सदस्यता लेने के लिए जगह ही नहीं थी, इतनी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी तो कुछ लोग तो 2 किलोमीटर दूर ही रह गए। बाकी ये सिलसिला जारी रहेगा और कांग्रेस मतलब बीजेपी में से मेरे से बहुत अभी कॉन्टेक्ट में है और कुछ और लोग आने वाले हैं। आपके जो नेता हैं जी वो कह रहे हैं कि इस बार आतंक तंत्र होगा, क्या है ये आतंक? देखिए विक्की भैया, आप सब लोग देख रहे हो कि कितना आतंक चल रहा है कराल में, विजयपुर में, और आतंक का अंत होने वाला है बस कुछ ही समय। हमारी ये मान लो 13 तारीख को वोट डलेंगे और 23 तारीख को आतंक खत्म हो जाएगा। कल की रैली के दौरान एक सियासी चर्चा सामने आई है जी कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी चुनाव में अभी नजर नहीं आए, जबकि ये वही है जिनके पद की वजह से रामनिवास जी का पार्टी छोड़ना माना जा रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे? वो अभी क्या है, उनका चुनाव में प्रभारी बनाया गया उनको महाराष्ट्र में, तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। कुछ ही समय में वो आएंगे और उनके जो खास मित्र हैं नीतू शिखरवार जी, वो आप देख लीजिए वो तो कितने जी जान से लगे हुए हैं, उनके तो पूरा बीजापुर बेल्ट ये मान लो कि वहाँ रात दिन वहीं पड़े हुए हैं। मोहन जी, अब क्या रणनीति है, 15 दिन चुनाव के बचे हैं, किस तरह चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए विक्की भैया, जो विपक्ष के लोग हैं ना वो हमारे खुद के कार्यकर्ताओं को फोन लगा लगा के कह रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, तो आप इसी में समझ जाइए कि हमारी कितनी बड़ी रणनीति होगी और हम कितने वोटों से जीत रहे हैं, आप यहीं समझ जाइए। लखन भाई, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, अब आपका आदिवासी समाज इस समय क्या सोच रहा है? हमारा पूरा आदिवासी समाज एक तरफा मुकेश मल्होत्रा जी को जाएगा और फुल सपोर्ट करेगा कांग्रेस पार्टी को और सभी ने मन बना लिया है कि
कांग्रेस पार्टी को जिताना है। पहले थोड़े बहुत हमारे आदिवासी कट गए थे क्योंकि वे शुरू से ही मतलब कांग्रेस ही थे, जन्म से उसके बाप दादा थे तो वो कांग्रेस में इसलिए कट गए थे। लेकिन अब कांग्रेस से टिकट मिला है तो वो सभी आदिवासी मतलब कांग्रेस को ही टिकट मिलेंगे और मिल गया तो इसलिए पूरा आदिवासी समाज एक तरफा कांग्रेस को मिलेगा। निर्दलीय भी आदिवासी खड़े कर दिए हैं। निर्दलीय उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये रामनिवास के टट्टू है, उन्होंने खड़े किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है इस समय युवा? युवाओं की तो एक ही सोच है, वो सारा युवा कांग्रेस को लाइक करता है और इस बार इतने उत्साह है उन्होंने कि युवाओं को आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कल का जो प्रोग्राम था आप वहाँ पर युवाओं को देख सकते थे, समझ सकते थे, उनकी सोच एक ही है इस बार कांग्रेस। एक चीज और है कि लोग कह रहे हैं कि मंत्री को हरा के क्या फायदा होगा, उस पर क्या सोच? बात मंत्री की नहीं है, बात तानाशाही की है। तानाशाही को आप देख ही रहे होंगे, कुछ दिनों के मामले आपके सामने ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। युवा ही थे वो, युवाओं के साथ अत्याचार था, गरीब के साथ अत्याचार था, तो हराना मंत्री को नहीं उसको है जो अपन समझ रहे हैं। ठीक है, मंत्री जी का तो हरना तय है इस बार।